नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश में अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इन सबके बीच सभी राज्यों में पार्टियों ने जनता का दिल जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के साथ सुनील बंसल की वापसी की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुरू किए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी के तौर पर सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और इसी के साथ चर्चा अब ये हो रही है कि यूपी में भाजपा को लोकसभा चुनाव में मैजिक फिगर तक पहुंचाने वाले सुनील बंसल आने वाले चुनाव में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यूपी की संभालेंगे। वहीं पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे सुनील बंसल और उनकी टीम अभी भी राज्यों पर मजबूती से नजर बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। 2014 के चुनाव के बाद से बीजेपी को लगातार लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलती रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सुनील बंसल 2014 की तरह ग्राउंड लेवल पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं के मुताबिक यूपी में शुरू हुए इस महाअभियान में सुनील बंसल अपनी रणनीति के मुताबिक उन जिलों पर और ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर भाजपा लोकसभा का चुनाव हार गई थी। इस बार कोशिश यही है कि जिन जगहों पर बीजेपी वोटर्स कम हैं उन जगहों पर फोकस किया जाए। माना यही जा रहा है कि सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश में लगाए गए एक दशक के अनुभव को पार्टी एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में इस्तेमाल करने वाली है। राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कहते हैं कि बंसल ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में तब ऑक्सीजन दिया था जब उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में पार्टी के लिहाज से सूखे जैसे हालात बने थे। उसका ही ये नतीजा था कि 2014 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बंपर सीटें मिली, 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई, तो 2024 के लोकसभा के लिए एक बार फिर से सुनील बंसल पर बड़ा दांव आजमाया जाने लगा। सुनील बंसल के पास इस वक्त उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में पार्टी का चुनाधार तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं तो उन राज्यों का क्या होगा जहां पर बंसल को पिछले साल कमान दी गई थी। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि फिलहाल सुनील बंसल उन राज्यों में रुक कर लगातार कैंप कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की उसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में माइक्रो लेवल पर काम कर रही हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी में उन राज्यों में भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। वो ये बात भी कहते हैं कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में इस महाअभियान का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह वापसी करा दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी उसी तरह पार्टी के उन जिम्मेदार नेताओं की जिम्मेदारियां भी दी जाती रहेंगी जो 2014 के वक्त की गई थी। इसमें सिर्फ सुनील बंसल ही नहीं बल्कि पार्टी के और भी कई बड़े रणनीतिकार शामिल हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के महाअभियान में शामिल किया गया है। वहीं सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में महाअभियान का प्रभारी बनाए जाने को लेकर तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि उनकी पार्टी के अलावा और कोई दल टिक नहीं सकता। खैर, आगे देखना होगा कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अभी उसमें एक साल बचे हुए हैं, लेकिन कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं और तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तमाम और भी बड़ी जानकारियां, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।